तो जल्दी कर पुत्र, जल्दी जल्दी आ जा। वो अंगूठी है ना तेरे पास, अंगूठी दे दे। पुत्र दे रवि को। चलो जी, हाथ आगे बढ़ाओ आप। सोचा था कि रवि ये सगाई नहीं करेगा, लेकिन आज फिर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। आखिर मैंने अंबिका की आंखों में देविका की झलक देख ली जब वो मुझे अंगूठी दे रही थी मिश्रोत्रा को पहनाने को। अब मैं समझ गया कि वो इस सगाई से खुश नहीं है। रवि, तुम झूठे हो, तुम्हारा प्यार झूठा है। और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दौलत और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम्हारी ये जोड़ी तोड़ने का मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है। आज इतनी जरा सी बात पर इतना तमाशा हो गया ना। अगर मैं सच में कोई बहुत बड़ा कदम उठाऊंगी तो सोचो जरा। ये अंबिका को देख के लगता है तो झूठ मूठ कहीं मुस्कुरा रही है। चल क्या रहा होगा इसके मन में? हाय हाय, इसे जलन तो नहीं हो रही? वही होगा और क्या। अंबिका, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कहूँ, किस तरह से तुमसे माफी मांगू, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं बहुत पछता रही हूँ। अंबिका, इसमें हर बार बिना तुम्हारी बात सुने, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारे साथ बदतर से बदतर सुलूक किया। कितना बुरा भला कहा तुम्हें, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की। अंबिका, सॉरी अबाउट इट। तुमने हर बार मुझे माफ कर दिया, मेरी नासमझी को नजरअंदाज किया, हमेशा बड़ा दिल रखकर बिना किसी गिले, बिना किसी शिकायत के मुझे अपनाया। तुम तो सच में बहुत अच्छी दोस्त हो अंबिका, और तुमने अपनी दोस्ती हमेशा साबित की है। अंबिका, आई नो मैं माफी के लायक नहीं हूँ अंबिका, और इसलिए शायद मुझे माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम मुझे माफ भी मत करो अंबिका, सजा ही दे दो, बहुत बड़ी सजा दो, बड़ी से बड़ी, और मैं सर झुकाकर कबूल कर लूंगी। लेकिन प्लीज अंबिका, अपनी दोस्ती मुझसे मत छीनो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है अंबिका। आई डोंट वांट टू लूज योर फ्रेंडशिप। आई डोंट वांट अंबिका, आई एम रियली सॉरी। वेदता, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जैसे हमारी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती है, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो भी तुमने देखा, जो भी सोचा, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसे भी यही गलतफहमी हो जाती। मुझे तुम्हें किसी तरह की कोई सज़ा नहीं देनी है, इट्स ओके। और वैसे भी आज तुम्हारी एंगेजमेंट का दिन है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम सैड हो जाओ या किसी भी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हो जाए। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब सॉल्व हो गई है। आई एम रियली हैप्पी कि आज तुम्हारी रवि के साथ एंगेजमेंट हो गई है। अब तुम्हें किसी भी बारे में गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया अंबिका, सच में बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। थैंक यू सो मच अंबिका, थैंक यू सो मच।
और हमारे घर से कभी नहीं छूटेंगे अपना काम। हम हमेशा कैसे ही रहेंगे। यस आई प्रॉमिस, हम दोनों तो मौत के वक्त भी साथ ही होंगे। Let's enjoy the party. इधर आओ, देखो भाई ये सब क्या है, सब सफाई करो, सब मेहमान देखेंगे अच्छा थोड़ी लगता है। जल्दी से रख के आओ, ये भी लेके जा बाकी। अरे मम्मी जी, आप क्यों मुंह लटका के खड़ी हैं? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे ने बाजी मार ली है, नवेदिता से एंगेजमेंट कर ली, अब तो आप भी अमीरजादी हो गई हैं। वही तो रोना है, दिमाग की बत्ती बड़ी देर से चली। और तुझे पता है ना, मैंने रवि देविका की शादी किस लिए कराई थी? ताकि उसकी करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाए। फिर बाद में मुझे पता चला कि निवेदिता अब रवि को चाहती है, और वो तो 10 करोड़ वाली थी। तो भाई मैं सोचने लगी क्यों ना निवेदिता को अपनी बहू बना। फिर तो जो शादी को तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सोचा और किस हद तक गई, वो तो तुझे पता ही है। अब जब मैंने अंबिका के दिल की बात जान ली है, तो श्रद्धा मुझे लग रहा है मैंने इस सगाई की इतनी जल्दी क्यों मचाई। ये तो 1000 करोड़ वाली है, देखने में भी सुंदर है, रवि को पसंद भी करती है, और उस निवेदिता की तरह पागल भी नहीं है। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने इस गाय कितनी जल्दी क्यों बचाई, पर अब क्या हो सकता है, अब तो चुड़िया चुग गई खेत। ओहो मम्मी जी, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अरे अभी तो सगाई हुई है, शादी थोड़ी ना हुई है। श्वेता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब इस सगाई को तोड़ने का कोई तोड़ सोचना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशंस। बस बस ही, जब तक जोड़ी बनी है बनी रहे, मेरा मतलब हमेशा बनी रहे। आओ जी आओ, आपको बाकी लोगों से भी मिलाऊं। कुछ लोग तो रह गए आपको मिलाने के लिए, आ जाओ जी आप। के 10 missed calls। अरे बाप रे, मैंने तो बोला था अंबिका की फोटो खींच के भेज रही हूँ, मैं भूल कैसे गई। वैसे मम्मी जी बिल्कुल सही कहती हैं कि अंबिका निवेदिता से भी ज्यादा पैसे वाली है। रायचंद का रुतवा तो बहुत है, मेरे वीर जी का भी रुतवा कौन सा कम है। मेरा मतलब है रवि तो वैसे भी रिश्ते में बंध गया ना, उसके लिए क्या सोचना। मेरे वीर जी तो अभी भी कवारे हैं, देखा जाए तो वीर जी तो देविका को लाइक करते थे ना, और अंबिका तो बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है। अगर वीर जी उसको देखेंगे उसके तो दीवाने हो जाएंगे, और मेरे वीर जी की लाइफ भी सेट। एक काम करती हूँ, वीर जी को जल्दी से उसकी फोटो भेजती हूँ, फिर तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू, मैं एक की जठानी बन जाऊंगी और एक की ननद, फिर तो मैं पैसे भी खेलूंगी। जल्दी फोटो भेजती हूँ। क्या हुआ? देखो ना अंबिका, मेरी वजह से माहौल कितना मायूस हो गया, सब चुपचाप बैठे हैं, जान ही नहीं रही इस पार्टी में। बट यू नो व्हाट, मैं ये सब बदल दूंगी, सबका मूड चेंज कर दूंगी। क्या, व्हाट इज योर प्लान? प्लान इज कि मैं अच्छा सा गाना प्ले करवाती हूँ, एंड वी विल ऑल डांस टुगेदर। तुम डांस करोगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स, लवली। मिस रायचंद, आई एम सो सॉरी मिस रायचंद, मैंने जो थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ सलूक किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अंबिका से तो माफ़ी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई सेड ना, इट्स ओके, थैंक यू, सच अ बिग हार्ट। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि अब हम डांस करें, एंड विल जस्ट एंजॉय द पार्टी। आप ज्वाइन करेंगे हम? अरे नहीं नहीं, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? यस। ओके, कम अंबिका। आंटी जी, रवि, चलो ना थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। लेट्स डांस। डांस? व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन, लेट्स डांस। चलो मोंटी, तुम कोई गाना बजाओ। मैं कोई अच्छा सा म्यूजिक। Oh,
ये सब क्या है? तुम सिर्फ मेरी बेटी अंबिका की पिक्चर्स क्यों ले रही थी? मुझे क्या पता था ये जानकी देवी मुझ पर नजर रखे हुए है। हे भगवान, अब इसको क्या जवाब दूं?